हम कभी पीछे नहीं हटते, चाहे उसके लिए हमें अपना खून बहाना पड़े या अपनों का। विक्रांत, ये तो विक्रांत है, मैं इसे पहचान कर नहीं पाया। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, मगर तुमने अपने फ्यूचर का बहाना देकर मुझे छोड़ दिया। अरे गौरी, तुम अभी तक जाग रही हो? हम आपका इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मैं सिम को घुमाने बाहर ले जा रहा हूं, तो आने में देर हो ही जाएगी। हाँ, आपने कहा था, लेकिन हमने सोचा कि जब आप आएंगे तो आपको खाने। खाना तो मैं बाहर ही खाकर आया हूँ। एनीवेज, मुझे बहुत नींद आ रही है। बाय। विश विश। वेट अ मिनट प्लीज। जानती हो कि तुम्हारी वजह से सिमी को इतनी चोट लगी है, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। क्यों मजाक करती हो इसके साथ? लेकिन माँ जी, हमने तो कोई भी मजाक नहीं किया है। मजाक नहीं किया? तो फिर तुम सिम को डरा क्यों रही थी? डरा नहीं रहे थे, हम तो इनका इलाज कर रहे थे। आपने देखा था ना, थोड़ी देर पहले चल फिर नहीं पा रही थी और अब कैसे दौड़ने लगी है। हाय बेटा, हाय। कम। वो मैं सिमी को जरा अपना पुराना प्ले गार्डन दिखाने ले गया था, जहाँ ये हमेशा झूले से गिर जाया करती थी और हमेशा मुझे डांट पड़ती थी। मेरा अंदाजा सही था। क्यों, अपनी पुरानी यादें ताजा कराई? वैसे घर पहुंचने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? No, Dad, not at all. ड्राइवर गया था एयरपोर्ट लेने और ये ड्राइवर इन्हें घर तक छोड़ने आया है। गुड, वेरी गुड। वैसे विशेष, तुम्हारी ये दोस्त बहुत दिनों के बाद यहाँ आई है, तो उसे सिर्फ ड्राइवर की नहीं बल्कि एक गाइड की भी जरूरत होगी जो उसे पूरा शहर घुमाए। ऑफ कोर्स, मेरे लिए तो ये बिल्कुल मामूली बात है। लगता है बहुत सारी लड़कियों को घुमा चुके हो। हाँ, आई मीन मेरा मतलब है कि ओके ओके ओके, वॉट एवर यू मीन। कितना हमें यहाँ चलो झूम के आए हम,
चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सनम। विशेष जी, आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही? नहीं, आपने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है, इसलिए। खाना मैं आज बाहर खाऊंगा। बाहर मतलब होटल में? हाँ जी। सेम, आर यू रेडी? लेकिन आप तो जानते हैं ना कि बाबूजी इस बात से कितना गुस्सा होंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं डैड से परमिशन ले चुका हूँ। लेकिन विशेष जी, मैंने तो आपके गौरी, मैंने कहा ना, डैड ने ही मुझसे कहा है कि मैं सिम को बाहर घुमाने ले जाऊं, और इसीलिए मैं बाहर सिम के साथ खाना खाकर भी आऊंगा, समझ गई? सिम, चलो, लेट हो रहा है। विशेष, बस 5 मिनट्स प्लीज। अच्छा, तब तक मैं गाड़ी निकाल, ये मेरे रूम में रख देना। तुम कब आई? राइट नाउ, अब डैड के साथ आई हूँ। अंकल भी आए हैं? सो नाइस ऑफ यू, लुकिंग ग्रेट। या आई नो, आई ऑलवेज लुक ग्रेट। ऑफ कोर्स, आई मीन, हम आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लाए क्या? नो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे, अब खाने में क्या बुराई है जी? यू नो विश, यहाँ इंडिया में लोग बहुत खाते हैं, बैलेंस डाइट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यहाँ, जब देखो तब खाना। वैसे सिमी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इंडिया में लोग जितना खाते हैं उतना फास्टिंग भी करते हैं, दे डोंट नीड एनी डाइटिशियन। रियली, तभी इतने मोटे होते हैं। इसे मोटापा नहीं कहते, इसे सेहत कहते हैं। एग्जैक्टली। वैसे आपकी फास्टिंग कैसी होती है? आई नो, दिन भर फ्रूट्स खाते रहते हैं, जूस पीते रहते हैं, और कहते हैं कि आज हमारा व्रत है। हर व्रत ऐसा नहीं होता है जी, निर्जलीय व्रत में तब पानी तक नहीं पी सकते। रियली? हाँ जी, हम रखते हैं ना हर सोमवार को, कहते शिव जी का व्रत रखने से अच्छा पति मिलता है। क्या बात है भाई, खामोशी का सबब पता तो चले। महेश, मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि एक आदमी मुझे हमेशा धमकियां देता रहता है। हाँ हाँ, वही आदमी ना जिसे तेरे और युगांग के रिश्ते के बारे में पता था। हाँ, मुझे उस आदमी के बारे में पता चल गया। अच्छा, कौन है वो आदमी? वो मेरा अतीत था महेश, जिसे मैंने कई बार भूलने की कोशिश की थी, मगर हर बार वो मेरी जिंदगी में परेशानियों का कारण बनकर आ जाया करता है। यार विक्रम, तेरे अतीत से जुड़ी हुई लगभग हर बात तो मैं जानता हूँ, फिर ये
अतीत का कौन सा नया दुश्मन है जो वर्तमान में तेरे लिए परेशानी बन के खड़ा हो गया? विक्रांत। विक्रांत। हाँ महेश, विक्रांत। दरअसल खून के रिश्ते में विक्रांत मेरा छोटा भाई है, पर हकीकत में वो मेरा सौतेला भाई है। महेश, सौतेला। सौतेला भाई? यार विक्रम, तूने आज तक कभी उसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं, और ये आज अचानक कहां से कैसे? उसकी हरकतें ही ऐसी थी महेश, कि मैंने उसे अपने जिंदगी से ही नहीं, अपने ख्यालों से भी निकाल कर दूर फेंक दिया था उसे। और आज ख्वाजो फिर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। एक मिनट विक्रम, मैं तेरी बात को समझ नहीं पा रहा हूं। अगर वो तेरा सौतेला भाई है, तब फिर इतने वक्त तक वो कहां रहा? मतलब वो लौट कर क्यों नहीं आया? और अगर वो अब लौट कर आया है, तो उसके इस दुश्मनी की वजह क्या है? महेश, इसके लिए मैं तुम्हें अपने अतीत की पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरे पिता विशाल आर्य एक गांव के बहुत बड़े जमींदार थे। रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, शोहरत, मान, इज्जत सब उनके पास थी। और जिस दिन मेरा जन्म, वो दिन उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन था, मगर उनकी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। जिस दिन मेरा जन्म हुआ, वो दिन उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन था, मगर उनकी खुशियों को न जाने किसकी नजर लग गई। कुछ दिनों बाद ही एक छोटी सी बीमारी में मेरी मां चली गई। मेरी मां की मौत का गम तो मेरे पिताजी बर्दाश्त कर लेते, पर वो मुझे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इससे मुझे सहारा मिल गया और पिताजी की चिंता दूर हो गई। कुछ ही सालों बाद नई मां ने विक्रांत को जन्म दिया। मैं तो नादान था, पर शायद मेरे पिताजी भी इस बात से अनजान थे कि सौतेला शब्द कितना भयानक होता है। इस बात का पता हमें 10 साल के बाद लगा। कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, बस खेल रहा था। खेल रहे थे? विक्रांत, मैंने तुम्हें खेलने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि इसलिए पैदा किया है कि तुम बड़े होकर इस जागीर के मालिक बनो। लेकिन माँ, इसके लिए मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? बाप की दौलत में तो बेटे का ही हक होता है। हक होता है, लेकिन अपने बेटे का, सौतेले का नहीं। विक्रांत, शायद तुम भूल रहे हो कि तुम सौतेले हो, सौतेले। लेकिन माँ, मैं अगर सौतेला हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? विक्रांत, तुम्हारी गलती ये है कि तुमने भी अपने आप को सौतेला मान लिया है, जबकि इतिहास गवाह है कि हुकूमत उसी को मिलती है जिसके अंदर हुकूमत पाने की चाहत होती है और अपने आगे आने वाली रुकावटों को रोकने का हौसला होता है। वरना ऐसे लोगों को ना कोई हक मिलता है, ना कोई अधिकार। वो सारी जिंदगी दूसरों के मोहताज और गुलाम बनकर रह जाते हैं। गुलाम? नहीं मां, मैं कभी किसी की गुलामी नहीं करूंगा, बल्कि राज करूंगा, राज, समझे? अभी इसका दिमाग खाली है। अभी से इसके दिमाग में अगर नफरत का बारूद मैंने नहीं भरा, तो बड़ा होकर ये कभी अपना हक हासिल नहीं कर पाएगा। की सौगात लेके दिल
बात ले।